क्या करते हैं आप? अचानक से कोई आपके घर पे आ जाए और खाने के लिए बिल्कुल भी मीठा ना हो घर में, तो चलिए आज बना लेते हैं ये झटपट वाले गुलाब जामुन। तो इसके लिए हमने ले ली है 4 ब्रेड। इसके लिए हम पहले तो इसके जो साइड्स हैं उन्हें कट कर देंगे इस तरीके से। ये तो हमने हटा दिए हैं इनको कट करके, अब इन्हें हम इस तरीके से तोड़कर एक प्लेट में रख लेते हैं। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे दूध। इसे तकरीबन हमने 4 से 5 टेबल स्पून दूध ले लिया है और इसे भी मिक्स करके एक डो के जैसा बना लेंगे। इसके बाद हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे और इसके बाद इसे हम दोनों हथेलियों की मदद से राउंड राउंड कर लेंगे और एक भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो लीजिए, हमारे गुलाब जामुन तो बना लिए हमने। अब चलते से फ्राई करने की तरफ। चाशनी बना लेते हैं। इससे पहले हमने ले लिया आधा कप के करीब शुगर और उतनी ही आधा कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसे चलाते हुए हम घोल घोल इसकी शक्कर घोल लेंगे और उसके बाद जब ये चिपचिपी सी हो जाए इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम अपने गुलाब जामुन मीडियम फ्लेम पर सेक लेते हैं। तो जब ये एक साइड से हल्के गोल्डन कलर के हो जाए तब इसे एक स्पून की हेल्प से हल्के हाथों से पलट लें और दूसरे साइड से भी सेक लें। जब इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और कुछ देर के लिए हम इन्हें चाशनी में ऐड कर देंगे जिससे कि ये गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी सोख ले। इसके बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारे झटपट वाले गुलाब जामुन बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने जूसी और कितने सॉफ्ट बने हुए हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये। तो इन्हें ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।